गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज के दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। सबका भला जब देखे, सबके गुण देखे, मीठा मीठा बोले सबसे, सबके मन को भाए हम। सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम, इस जग को आज का सुविचार सुनिए। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, कि हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा तरु का पेज नंबर 54 ओपन कर लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 11 समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है आहात बंटाना। इस चैप्टर में हम मुहावरों के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेहा आपकी तरह ही कक्षा 4 में पढ़ती है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है राघव। वे दोनों बहुत नटखट हैं। तो एक दिन उन्होंने बहुत शरारतें की, तो मम्मी उनके पास आई। मम्मी ने देखा कि उन्होंने सारा सामान इधर उधर फैला रखा है और बहुत ज्यादा शोर किया हुआ है। तो मम्मी उन्हें कहती है, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, सारा आसमान सिर पर उठा रखा है। तो मम्मी की बात सुनकर दोनों बच्चों को बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा, मम्मी हम तो इतने छोटे बच्चे हैं, हम आसमान को सिर पर कैसे उठा सकते हैं? आसमान तो कितना बड़ा होता है और हमने आपके नाक में भी किस तरह दम कर रखा है। तो उनकी बात सुनकर मम्मी ने उन्हें समझाया कि बच्चों, मेरा मतलब है कि तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो और तुमने बहुत शोर किया हुआ है। तो मम्मी ने उन्हें बताया कि मैंने अपनी बात कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हर बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है साधारण तरीका और दूसरा विशेष तरीका। जब हम अपनी बात साधारण ढंग से कहते हैं, कि अगर मम्मी उन्हें कहती कि तुमने बहुत शोर कर रखा है, तब वो अपनी बात साधारण तरीके से कहती। लेकिन मम्मी ने कौन सा वाक्य प्रयोग किया था? मम्मी ने कहा था कि तुमने आसमान सिर पर उठा रखा है। इस तरह मम्मी ने मुहावरे का प्रयोग करके एक विशेष ढंग से अपनी बात कही थी। और दूसरी बात मम्मी ने क्या कही थी? कि तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। ये बात मम्मी इस तरह भी कह सकती थी कि तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। इस तरह मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और सुंदर लगती है, इसीलिए हम वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, हमें जब मुहावरों का सही अर्थ पता होगा, तभी हम वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए मुहावरा, नाम
दंभ करना, इसका अर्थ है तंग करना। तो इसका वाक्य बनेगा कि बच्चों ने मम्मी की नाक में दम करके रखा है। दूसरा मुहावरा देखिए, आसमान सिर पर उठाना। इस मुहावरे का अर्थ है शोर करना, बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अब मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ जिससे आपको मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में पता चलेगा। ये देखिए, फूला न समाना। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फूला न समाना बहुत खुश होना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, इनाम मिलने पर बच्चे फूला ना समाए। दूसरा देखिए, जमीन आसमान का अंतर। ये देखिए, जमीन आसमान का अंतर, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक अंतर होना, यानी बहुत अधिक फर्क होना। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आगे देखिए, कलेजा ठंडा होना। तो यह भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ है चैन मिलना। कलेजा ठंडा होना, चैन मिलना। बच्चों को कुछ देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है। दाल न गलना, दाल न गलना, इसका अर्थ है बात न बनना। जैसे इसका वाक्य बनाइए, आप किसी भी मुहावरे का अपनी कल्पना के आधार पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने मम्मी को अपनी बात बनाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन मेरी दाल न गली। इस तरह अब मैं आपको कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ समझाऊंगी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन कर लीजिए, हम रीडिंग करेंगे साथ साथ मुहावरों के अर्थ भी समझेंगे। ये देखिए, इसमें एक चित्र कथा दी हुई है। इसमें एक लड़की स्तुति अपनी माँ से बात कर रही है। तो माँ देखिए स्तुति को क्या कहती है। माँ कह रही है, स्तुति मटर छीलने में मेरा हाथ बंटा दो। तो स्तुति आंसर देती है, माँ हाथ कैसे बांट दूँ। तो माँ ने समझाया, मेरा मतलब है मेरी मदद कर दो, मैंने मुहावरे का प्रयोग किया है। तो इसमें हाथ बंटाना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है मदद करना। तो स्तुति कहती है, अच्छा कुछ विशेष तरह से अपनी बात कही है आपने। इस तरह बच्चों आपने देखा, वाक्य में कुछ शब्द विशेष अर्थ देते हैं जिससे भाषा सुंदर लगती है। आइए कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ पढ़कर जाने। सबसे पहला मुहावरा देखिए, आँखों का तारा। इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना, प्रिय मतलब प्यारा। जैसे आप सब बच्चे अपने मम्मी पापा की आँखों के तारे हो। उसके बाद है चेहरा खिल उठना, इसका अर्थ है खुश हो जाना। नेक्स्ट देखिए, आँखों में चमक आ जाना, आँखों में प्रसन्नता के भाव। इसका मतलब है कि बहुत खुशी प्रकट होना। जैसे अपने मित्र से मिलकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फोर्थ मुहावरा देखिए, आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा उड़ना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। चार चांद लगाना, किसी चीज का और सुंदर हो जाना। नेक्स्ट देखिए, फूला न समाना, इसका भी अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, कि इनाम मिलने पर राम फूला न समाया। उसके बाद है पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। जैसे इसका वाक्य बनाइए, आप अपनी
मर्जी से भी कोई वाक्य बना सकते हो। तो इसका कोई और वाक्य बताइए। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि पापा ने आज मेरी पीठ थपथपाई, ईद का चांद होना, कभी कभार नजर आना। जैसे मेरा मित्र आजकल ईद का चांद हो गया है, वह मुझे मिलता ही नहीं। 9-2-11 होना, किसी से बचकर भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहा 9-2-11 हो गया। अब आप पेज 55 ओपन कर लीजिए। हम इसमें दिए हुए मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है मुंह में पानी भर जाना। इसका अर्थ है कि खाने की किसी चीज को देखकर खाने का मन करना। वाक्य बनाओ इसका। जैसे रसगुल्ला देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। माँ मुझे खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। बच्चों को शरारते करते देखकर माँ आग बबूला हो गई। अब देखिए 13th मुहावरा। इसमें दिया हुआ है आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब क्रोध करना। जब बच्चों ने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया तो माँ ने उन्हें आंखें दिखाई। उसके बाद है कान पर जू न रेंगना, किसी बात का असर न होना। माँ ने रमन को बहुत समझाया लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती कि वो माँ की बात बिल्कुल भी नहीं समझता। अब है पीठ दिखाकर भागना। इसका अर्थ है हार कर भाग जाना कि भारतीय सेना की वीरता के सामने दुश्मन पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। आंख लगना, नींद आना। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। अब है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। देखिए इसका वाक्य तो हमने पहले भी बनाया था कि बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर की एनिमेशन देखते हैं। बच्चों आज हम मुहावरा के बारे में जानेंगे। क्या बात है सलोनी, आज तो तुम खोले नहीं समा रही हो। पापा आज मैंने कक्षा में कविता सुनाई, सबको बहुत अच्छी लगी। टीचर ने मेरी पीठ थपथपाई। शाबाश बेटा, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो। माँ मुझे कुछ खाने को दो, मेरी पीठ में चूहे कूद रहे हैं। यह लो मिठाई। वाह, मिठाई देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बच्चों आपने सलोनी की बातें ध्यान से सुनी। चलो अब आप बताओ, सलोनी को कैसा लग रहा था? खोले नहीं समा रही थी। टीचर ने क्या किया? पीठ थप थपाई। पापा ने सलोनी से क्या कहा? आंखों का तारा हो। सलोनी ने माँ से क्या कहा? पेट में चूहे कूद रहे हैं। मिठाई देखकर सलोनी को कैसा लगा? मुंह में पानी आ गया। बच्चों आपने देखा, फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना, पीठ थप थपाना, शाबाशी देना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, मुंह में पानी आना, खाने के लिए जी लग जाना। इन वाक्यांशों के पीछे अलग अर्थ छिपे हुए हैं। इनसे भाषा सुंदर लगती है, इन्हें मुहावरा कहते हैं। आओ कुछ और मुहावरे को जानते हैं। रफू चक्कर होना, भाग जाना, अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना कर देना, हाथ फटाना, काम में मदद करना, गुस्सा होना। अब हम बुक वर्क शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, खाने पीने की
चीज़ों से संबंधित चार मुहावरे लिखिए। इसमें हम ऐसे मुहावरे लिखेंगे जिनमें खाने पीने की चीज़ों के नाम आते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है कि आवश्यकता से कम। अब हम ऐसे और मुहावरे लिखते हैं जिसमें खाने पीने की चीज का प्रयोग किया गया। जैसे देखिए नमक मिर्च लगाना। देखिए नमक और मिर्च ये खाने पीने की चीज है, इसे मम्मी सब्जी में डालती। तो नमक मिर्च लगाना भी क्या है, अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। इसका वाक्य होगा कि कुछ लोग अपनी बात नमक मिर्च लगाकर कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, दाल न गलना। मैंने आपको फ्लैश कार्ड भी दिखाया था इसका, और इसका अर्थ था बात न गलना। जैसे मोहन बाहर घूमने जाना चाहता था, उसने मम्मी को बहुत समझाया लेकिन उसकी दाल नहीं गली। उसके बाद है दाल में काला होना। इसका अर्थ है संदेह होना, शक होना। जैसे राम की मीठी मीठी बातें सुनकर माँ को लगा कि दाल में काला है, क्योंकि माँ को उसकी बातों पर संदेह था। उसके बाद अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होना का क्या अर्थ है कि पहुंच से बाहर होना। जैसे अगर किसी को कोई वस्तु नहीं मिलती तो कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। आप देखिए दूसरा प्रश्न, वाक्य पढ़कर उससे संबंधित मुहावरा लिखे। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं हम उसमें ये बताएंगे कि किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो बताइए इसमें किस मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है। बताइए भूख लगने के लिए कौन सा मुहावरा था। पेट में चूहे कूदना। दूसरी लाइन पढ़िए, नितिन हर काम के लिए मना कर देता है। मना कर देने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं हम। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है मना करना। उसके बाद है रसगुल्ले देखकर तो मेरा मन खाने को करने लगा। तो हम इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग करेंगे, ये देखिए, मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना मतलब खाने को मन करना। बिल्ली देखकर चूहा झट से भाग गया। तो हम लिखेंगे 9:2:11 हो जाना, कि बिल्ली को देखते ही चूहा 9:2:11 हो गया। उसके बाद है उपहार पाकर मैं बहुत खुश हुई। बहुत खुश होना चेहरा खिल उठना, कि उपहार पाकर मेरा चेहरा खिल उठा। तीसरे क्वेश्चन में हमने खाली स्थान भरकर मुहावरे पूरे करने हैं। पहला सेंटेंस देखिए, छोटा भाई हर काम में तेज अड़ाता है। तो इसमें हम लिखेंगे टांग अड़ाता है। टांग अड़ाता है मतलब हर काम में रुकावट पैदा करता है। तो ये वाक्य बनेगा छोटा भाई हर काम में टांग अड़ाता है। उसके बाद है किताब पढ़ते पढ़ते मेरी डैश लग गई। आंख किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई।
बच्चों, आप इन समुहावरों की रीडिंग करना और इनके साथ अलग अलग वाक्य बनाने की कोशिश करना। थैंक यू।